क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बड़ा भूत है साहब। बड़ा भूत? अरे भाई साहब 24 नंबर के घर पे मत जाना। अच्छा पत्थर लौटा दो, और वो पत्थर लौटा दो ऐसा आवाज आएगा वहां। डर भी लग रहा है। एंजॉय बाबा लोकनाथ। माता जी को प्रणाम करके बढ़ते हैं आगे भाई। और यही पहाड़ था जो कि चढ़ाने में हालत खराब हो रही थी, आज मजे में उतर रहा हूँ। मैंने स्टॉप पे चढ़ाया था। तो अभी हम कुलधरा जा रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ कुलधरा मेन गेट के पास में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बड़ा भूत है साहब। बड़ा भूत? अरे भाई साहब हाँ हाँ जिंदा भूत मैं ही हूँ सर यहाँ। तो साइकिल लेके जा सकते हैं? साइकिल लेके जा सकते हैं। हाँ ठीक है, आ रहे हैं अंदर से। ये है मेन गेट, देख रहे ना, अभी एंटर कर रहे हैं। जय बाबा लोकनाथ, जय बाबा लोकनाथ। अपना कर्मा लेके घुस गए हैं, घुस गए। बंदे लोगों को कॉल कर दे। तो अभी मैं एंटर हो गया कुलधारा में। ये है कुलधरा का नक्शा, देख रहे ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातोरात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गाँव वीरान है। मतलब 19वीं शताब्दी से ये गाँव में कोई नहीं रह रहा है, पूरा खंडर पड़ा हुआ है, देख रहे ना। अभी चलते हैं अंदर और कैसा क्या है नहीं है सारा कुछ दिखाते हैं आप सभी को। 19वीं शताब्दी से ये खंडर पड़ा हुआ है भाई साहब। भाई साहब यहाँ पे अपने मधुबनी जिला का मिले हैं, कैन छे? बस बढ़िया है, केना हाल समाचार? बढ़िया छे। हमर घर मतलब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भेल खजौली जे है ना। हमर मौसी घर छे। बस तो फिर तो ये भाई छथिन, ये भाई मधुबनी के ही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही है। यहाँ पे मिले कुलधरा का जो खंडर जगह है यहाँ पे, पूरा घूम ले लिए। हाँ पूरा घूम ले लिए। तो अभी हम सब अपना भाषा में बात कर रहे हैं, मैथिली में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब अपने लोकल का आदमी मिलता है ना तो खुशी होता, हाँ खुशी होता है। प्लस में अपने भाषा में बात करने में अलग ही सुकून मिलता है। राजस्थान में हूँ, वो भी ये खंडर वाली जगह पे। थैंक, बहुत अच्छा लगा वहाँ से मिल के। बहुत मजा आया। आगे वीडियो हम 24 नंबर के घर पे मत जाना। अच्छा पत्थर लौटा दो, और वो पत्थर लौटा दो ऐसा आवाज आएगा वहाँ। यहाँ पे अपना कर्मा लगा दिया हूँ और अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर। सामने में है घर वगैरह सब दिखा है। मेरे को लग रहा है इसको मैंने फिर से तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, इसके वजह से इसको फिर से तैयार किया गया है। और यहाँ पे पार्किंग स्लॉट भी है, देख रहे हैं ना, जहाँ पे अपना कर्मा पार्क किया हूँ। अपना कर्मा पार्किंग में मैंने पार्क नहीं किया हूँ, थोड़ा सा अलग किया हूँ, क्योंकि अपना कर्मा कर्मा है ना। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्या है। हेडफोन खोल लेते हैं। ये है कुलधरा, चमका के रखा है क्योंकि पर्यटक सब आते हैं ना घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह सब आते हैं, इसका वजह से इसको चमका के रखा गया है ना। तो इसके घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कैसा क्या है नहीं है। ये सब देखिए यहाँ पे, पूरा ताला लगा हुआ है घर सब में, देख रहे ना, लॉक किया हुआ है सब में, लॉक किया हुआ है ताला, ये टूटा हुआ है। अभी चलते हैं इसके अंदर में, देखते हैं कैसे क्या। देख ऊपर चलते हैं, दो मंजिला घर।
जितना भी देख रहे ना खंडर पड़ा हुआ है, ये सब पूरा घर हुआ करता था पूरा के पूरा, जो कि अभी खंडर हुआ पड़ा है। 19वीं शताब्दी से ऐसा ही पड़ा हुआ है। पूरा खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन पूरा अंधेरा है, पूरा पूरा अंधेरा है। इसमें चमगादड़ सब है, लेकिन पूरा उल्टा लटका हुआ है चमगादड़ सब, देखिए पूरा उल्टा लटका हुआ है चमगादड़ सब। डर भी लग रहा है, लेकिन जय बाबा लोकनाथ, साथ में बाबा भोलेनाथ, जय श्री राम। आप सब भी आ रहे हैं, हाय। तो भाई साहब सब आए हैं दुर्गापुर से, यानी कि वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से आए हैं। तो अभी आए यहाँ पे, घूम लिए, डर लगा कहीं पे? रात होने से डर लगा। ये सब तो नया मैंने रिपेयर कर दिया है, वो सब पूरा वैसा है वैसा है, लेकिन वो सब खंडर पड़ा हुआ है। साइकिल से आया? मैं साइकिल से आया हूँ। लाइव चल रहा है? अभी शूट हो रहा है, आप सभी आ रहे हैं। साइकिलिंग जो आप करके आए, सही में आप धन्यवाद के पात्र है। आपने 18 राज्य हो गए हैं, और भी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारा पूरा MPTI की तरफ से आपको शुभकामना है। थैंक यू सो मच। आगे ऐसे जाइए, लेकिन साइकिल में जा रहे हैं, अपना सुरक्षित में जाइए। ये एक मंदिर है, देख रहे हैं ना, चलते हैं मंदिर में भी देखते हैं। अभी बच्चे लोग भी आ गए, देख रहे ना, स्कूल टूर पे, स्कूल की तरफ से बच्चे लोग भी आ गए हैं, कितने सारे बच्चे। कहाँ से आए हो? अच्छा, स्कूल टूर। हेलो। डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है? अरे भाई, छोटा बच्चा सब आ गया यहाँ पे, डर नहीं लग रहा है? वो वाला घर में जाना, वो वाला घर में गया था, नीचे अंधेरा है जाना। चमक ये चमगादड़ जानते हो? चमगादड़ वो लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, जाके देखना। तो भाई साहब अभी मेरे साथ में जुड़े हैं, यहाँ का थोड़ा सा स्टोरी बता सकते हैं। तो ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है। अच्छा, मोहन सिंह है। तो जा क्यों रहे, आ जाइए ना। मोहन सिंह, तो ये यहाँ का स्टोरी बताएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे यूं है कि सालम सिंह नाम का यहाँ पे था, एक सामंत था, वो बाणिया था जात से। यहाँ पर क्या है, पालीवाल ब्राह्मण थे सब, ये सब आप घर देख रहे हैं, ये सब पालीवाल ब्राह्मणों के थे। तो उनकी एक लड़की थी, वो खूबसूरत थी, तो उसको वो पसंद आ गई थी। तो उसने कहा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा हम ऐसे रिवाज नहीं है हमारा। तो उसने कहा कि या तो हमें दे दो लड़की, या पूरा गांव खाली कर दो। उन्होंने रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया। वो पता नहीं कहां गए पालीवाल, और सब पूरा गांव खाली हो गया। तब से इस गांव को श्राप ही लग गया है भूतों का। अच्छा। तब से ही से भूतों का ही ये पूरा घर हुआ करता जो। हाँ, ये सब ये खंडर है सब। ओके, ओके। पालीवाल फैमिली रहती है। हाँ, ओके। अच्छा अच्छा, ये इतिहास है यार। डर लग रहा है आप सभी को यहाँ पे? नहीं डर लग रहा, घर में अंधेरा है फिर भी डर नहीं लग रहा। कुलधारा के जो मुखिया थे उन्हीं का ये घर है, देख सकते हैं आप सब, ये वाला, ये कुछ इस तरह का है, पालीवाल समाज जैसलमेर। आ गए हम लोग अंदर में। इसकी छत पे आओ, ये लकड़ी की छत, लकड़ी जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज से पुराने टाइम में, 19वीं शताब्दी में पत्थर पर इस आकृति से यूं बनाना, छतें यूं अपने वहाँ रेडी करना, वहाँ पर जो बना। अंदर जा सकते हैं ना? अंदर आराम से जा सकते भाई साहब। दीवार नहीं, दीवार के अंदर पत्थर है, उसपे जो ये लेप लगा हुआ है। हाँ, ये गाय के गोबर का, जो क्या ठंडा रखता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब जैसा लगता है ना एसी वाले रूम में आ गए हैं। यस, ऐसे लग रहा है एसी वाले रूम में आ गए हैं, इतना ठंडा, मतलब आराम लग रहा है। ये सब घर है, देख रहे हैं ना, पूरा घर है।
पूरा घर है जो कि खंडर हो चुका है, देख रहे हैं ना। ये देखिए घर में दीवार में जो छोटा सा, मैंने हम लोग तो खुड़िया बोलते हैं अपना भाषा में, ये देखिए कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए यहाँ पे भी है, इधर भी है, उधर भी है, ये रूम है पूरा, देख रहे हैं ना। ऐसा बहुत ज़्यादा बहुत जगह है, ऐसा हर जगह, ये पूरा कुलधरा ऐसा हो चुका है। और जो स्टोरी बताए भैया वो तो सुने होंगे आप सब, जो एक रात में गायब हो गया और कहाँ चले गए किसी को पता नहीं, 84 गांव एक रात में गायब हो गया, इतने सारे लोग कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। भाई साहब चलते हैं, मेरा भी कंधा दर्द करने लगा है, अब चलते हैं आगे। यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। देखने पूरा खंडर पड़ा हुआ है, ये जितना दूर देख रहे हैं ना सब। इसके बगल में एक नया गांव बसा हुआ है, उधर कुछ घर है, 10-12 घर है उधर, ठीक है, वो जो कि नया में बसा है। बाकी पूरा एक खंडर पड़ा हुआ है ये कुलधरा। चलते हैं, अपना कर्मा इंतज़ार कर रहा है हमारा, है ना। बैठते हैं और किसी होटल पर रुकते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बहुत ज़ोर से, बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलते हैं।